आपके पास भी अगर ढेर सारे नींबू आ गए हैं ना, तो सबसे पहले तो ना उनका जूस निकाल लीजिए और छान करना उन्हें बॉटल में आप भर लीजिए और इसे रख दीजिए फ्रीज़र में। जब भी यूज़ करना हो, निकाला तुरंत और यूज़ किया, और ये ना लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है। अब भैया ये जो छिक्कल है ना, इनका हम क्या करेंगे, तो इसमें हम 1.5 गिलास 2 गिलास पानी मिलाकर इसे रख देंगे गैस पर बॉयल होने के लिए। 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे, और अगर आपके पास तांबे के छोटे छोटे बर्तन है ना, तो आप इन्हें इसे रखिए प्रेशर कुकर में और लगा दीजिए बर्तन डाल के 2-3 सीटियाँ, और देखिए आपके बर्तन ना एकदम ऐसे चमक जाएंगे, बिल्कुल नए हो जाएंगे। मैं एक सैंपल के लिए इसी कटोरे में आपको डाल के दिखा रही हूँ, देखना मेरा गिलास है ना, वो ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम नया हो गया हो। देखा, बिल्कुल आप भी ऐसे ही ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो हमें क्या करना है, नींबू के जो छिक्कल है ना, उन्हें अच्छे से निचोड़ कर जो पानी इसका बचेगा ना, इसको हम क्या करेंगे, एक कटोरे में छान के ले लेंगे। कटोरा थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें डालना है 1.5 चम्मच सोडा, जो खाना सोडा होता है ना वो। अब भाई ये तो ये डालने के बाद ना हमारे कटोरे में बहुत सारे झाग आएंगे, क्योंकि एयर निकलने के लिए जगह रहेगी, इसलिए हमें कटोरे में लेना है बड़े से में। जब वो झाग ख़त्म हो जाए ना, तो हमें डालना है जो विम लिक्विड होता है ना, बर्तन साफ़ करने वाले लिक्विड, उसको डालने के बाद भी थोड़े से झाग आएंगे। वो जब ख़त्म हो जाए, तो हमें खाली बोतल जो भी आपके पास हो उसमें आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, और बस हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग सा कॉलिंग तैयार। घर में ही हम इतना मार्केट से भी बढ़िया बना सकते हैं। इसे हम प्लेटफॉर्म पे जो चिकने चिकने छींटे हो जाते हैं ना, उनको ही एक ही वो स्प्रे में एकदम क्लीन कर देता है, और सबसे अच्छी बात है बारिश के मौसम में जो स्मेल आती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। अब देखिए भाई, सबसे ज़्यादा चिकनाई हमारी चिमनी के ऊपर होती है, और वन स्प्रे में देखिए कितनी जल्दी चिकनाई निकल गई है, देखिए एकदम साफ हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब भाई जो छिक्कल बचे हैं ना, उनका हम क्या करेंगे, जो तांबे के बड़े बड़े बर्तन हैं ना, उसमें हम साफ़ करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, छिक्कल में थोड़ा सा विम लिक्विड लेंगे, और एकदम इजी वॉश, जैसे हम बर्तन साफ़ करते हैं ना, ऐसे वॉश करेंगे। और देखिए हमारा जो बर्तन है ना, कभी हम साफ़ नहीं कर पाते बड़े बड़े, वो भी एकदम साफ़ हो जाएंगे। और जो डेली यूज़ की बॉटलें होती हैं ना, जिनमें से स्मेल आने लगती है, उनसे भी हम जब इससे वॉश करेंगे ना, तो एकदम स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और हमारा जो पूरा नींबू का काम है ना, वो पूरी तरीके से हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद भी अगर हमारे नींबू बच जाते हैं ना, तो हमको क्या करना है, न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेना है, और उसमें लेमन को इस तरीके से पैक कर देंगे और रख देंगे इसको स्टोर करने के लिए फ्रीज में। तो इससे क्या होगा ना, कि हमारी जो नींबू की लाइफ है ना, वो लंबी हो जाएगी, और हमारी नींबू जल्दी ख़राब नहीं होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।